मनातु थाना प्रशासन द्वारा लगातार गरीब असहाय व आदिम जनजातियों के बीच पके भोजन का वितरण होने से लोगों में खुशी है। भोजन प्राप्त लोगों का कहना है कि नोवल कोरोना वायरस के लॉकडाउन में भी पुलिस बड़ी एहतियात के साथ हम लोगों के घरों तक पहुंचकर पका भोजन का वितरण कर रही है, जिससे हम सभी लोगों को पेट की आग की तपिश बुझ रही है। वरना कितने लोग खाने के बगैर भूखे मरने की कगार पर चले जाते। लॉकडाउन लगने के कारण हम सभी भारतवासी तथा गरीब तबके के लोग कामकाज से महरूम हो गए हैं, जिससे हम सभी के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है। बस एकमात्र सहारा है सरकार एवं वैसे दाता के द्वारा योजना का, जिसे पाकर हम सभी अपने जीवन को सुरक्षित रख पा रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हमारे रहते क्षेत्र में कोई गरीब असहाय भूख के कारण किसी की मौत नहीं होगी। मैं जनता की सेवा ही अपना धर्म मानता हूँ। सुबह उठकर अपने क्षेत्र के सभी जगहों पर फोन कर जानकारी लेता रहता हूँ। साथ ही मनातु थाना क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर मैं कटिबद्ध हूँ। इस सेवा योजना में हमारे साथ थाना के कई पुलिस कर्मियों का अहम योगदान है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमलापुर में अपराधियों ने रात ट्रैक्टर शोरूम के मालिक प्रमीड यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रमीड का स्टाफ बड़ा पंचगढ़ निवासी कन्हाई पासवान पूजा के लिए फूल देने के लिए घर पर पहुंचा तो आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर उसने इसकी जानकारी प्रमीड के चचेरे भतीजे मोनू को दी। फिर दोनों घर के पीछे के दरवाजे से अंदर गए तो देखा एक कमरे में प्रमीड यादव की खून से तरबतर लाश पड़ी है। दोनों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। इधर मामले की सूचना मिलते ही SDOP राजा कुमार मित्रा, इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार, जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी विनोद कुमार के घटना स्थल पर पहुंचकर वारदात की तहकीकात की। पुलिस के अनुसार प्रवीण यादव की धारदार हथियार से गला रेत कर एवं नाक के पास गहरे जख्म देकर हत्या की गई। अपराधियों ने घटना को घर में घुसकर अंजाम दिया। वहीं पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि पुरानी रंजिश व पैसे के लेन देन को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनका जैसे गोदरेज हो गया, ये हो गया, सभी जगह को तोड़, लॉक तोड़ करके जो भी सामान था, पेपर ले गया है और टीवी एक नहीं दिख रहा है। हो सकता है टीवी वहीं फूट गया हो, अलग बात, उधर तो कोई गया नहीं है, या तो ले गया। नहीं, टीवी फूट कैसे जाएगा? 64 इंच का टीवी। लेकिन मतलब पेपर किस तरह के पेपर है जो डॉक्यूमेंट्स फाइल था यहाँ पे पूरा? उसके बाद फिर जमीन उमीन भी, बहुत सारा प्रॉपर्टी भी था, ठीक है ना। अब क्या था उस फाइल में, इतना तो हम भी डिटेल्स नहीं जानते। आप कौन लगे ये? हम इनके बड़े भाई का साला है। क्या नाम हुआ? मैं रमेश कुमार हूँ, लोको पायलट साहेबगंज में पोस्टिंग हूँ। प्रवीण यादव की जो हत्या हो गई रात में, कोई तेज धारदार हथियार द्वारा घुस करके हत्या कर दिया है। तो उसके बाद जो है उनका पूरा घर जांच किया है, किस पर्पज से चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने के बाद। किस तरह की घटना समझ लगी? घटना लग रही है कि कोई इनका कुछ लेन देन का विवाद लगता है। घटने में लगता है इनका शोरूम आया, पत्थर का भी बिजनेस है, और ऐसा पता चला कि अभी तक ये अनबैरन है। घटना कब की लग रही है? घटना रात की लग रही है। तो गरीबान मतलब यहाँ के जो गरीब परिवार हैं, उनका जाने से कभी कुत्ता मंगा कर कुत्ते के मंगाने के लिए बात जहाँ तक है, तो वो यहाँ पर कोई अपराधी का कुछ मिला नहीं है जिससे कि कुत्ता सूंघ करके जा सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं, उसको मंगाने से कुछ ज़्यादा एविडेंस मिलने की संभावना है। और चूँकि इस घर में काफ़ी लोग घुस गए हैं, जिसके कारण जो है उसका जो कुत्ता जो स्मेल काम करेगा वो उसकी संभावना छीन। सर, हत्या किस तरह से की गई, गोली मार के या? नहीं, वो हथियार, तेज हथियार द्वारा गला काट करके और सिर्फ नाक, आँख के, आँख के बगल में, बीच में, दोनों आँख के बीच में मारते हैं। तेज हथियार, तेज धारदार हथियार द्वारा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड। पाटन थाना क्षेत्र के 16 पंचायत में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए थाना प्रभारी आशीष खाखा के नेतृत्व में 16 ग्राम में पाटन थाना के छोटा बाबू के द्वारा हरिजन टोला में गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को खाना खिलाया गया। लॉकडाउन की वजह से पाटन थाना के सभी क्षेत्र में चिन्हित करके वैसी जगह पर मुफ्त भोजन दिया जा रहा है जहां गरीबों को लॉकडाउन की वजह से भूखा न रहना पड़े, और क्षेत्र में सभी जगहों पर मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन न करे और न ही अपने क्षेत्र में कोई कर सके। सभी ग्रामीणों के बीच स्वयं छोटा बाबू सभी को समझा रहे थे व साफ सफाई देने की बात कह रहे थे। किसी भी तरह इमरजेंसी हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। ऐसे नेक कार्य के लिए ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को धन्यवाद किया।
किया। मौके पर उपस्थित करीब 80 से 100 व्यक्तियों के बीच खाना दिया गया। इसने कार्य में छोटा बाबू राहुल कुमार मुंशी जी, हैदर अली, शकील अंसारी, रबानी अंसारी, सुरेंद्र ललन, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। सभी जनता को उपदेश दिया जा रहा था, आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने से किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए थाना प्रभारी ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है और हर क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पाटन पलामू, झारखंड। पाटन स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर जुबेर अहमद के द्वारा पाटन थाना क्षेत्र के सभी पंचायत सचिवालय में आपातकालीन बैठक बुलाई गई और अपने सभी वर्करों को स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को स्वयं समझा रहे थे। साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए सभी को अपने अपने पंचायत में जाकर सभी को उत्प्रेरित कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी अधिकारी अपने क्षेत्र में सेंटर पर ग्रामीणों के बीच उपदेश देते दिखे। स्वयं प्रभारी ने केलाहार पंचायत सचिवालय में एएनएम आंगनबाड़ी सेविका एवं स्वास्थ्य सहायिका के साथ आपातकालीन बैठक में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने पर सभी को समझा रहे थे। अपने क्षेत्र में घर घर जाकर निरीक्षण करना है, कौन बाहर से आया है, किसे किस तरह की परेशानी है, और एक फॉर्म उपलब्ध कराया गया है जो घर में जाकर सारी जानकारी इकट्ठा करके फॉर्म को भरना है। सभी कर्मचारी अपने क्षेत्र में ड्यूटी के लिए निकल पड़े थे। किसी तरह की स्वास्थ्य प्रभारी के द्वारा ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। आज ऊपर में क्या होगा, घर का संख्या एक दिन में आपको लगभग 40-50 घर को करना है, तो 40-50 घर में आप घर का संख्या देंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक किए जी, तो वो घर का संख्या देंगे, ठीक है। दूसरा, घर के मुखिया का नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे। पता मान लीजिए आपका केलहार है, बजट के पेड़ के बगल में या चापाकल के बगल में, जो भी हो सकता है, लैंडमार्क दे सकते हैं। राज्य के बाहर से आने वाले सदस्यों की संख्या, उस घर में आप गई हैं तो सिर्फ आए और बैठ गए तो वैसे नहीं हो पाए। एक तो मरीज अगर आ गया उसका और वो इन्फेक्शन अस्पताल में फैला दिया तो पूरा इन्फेक्टेड हो जाए जी, समझे ना जी। तो इसके सबसे अच्छा तरीका है कि डेली हम उस चीज़ को पोछें जो मेरा सरफेस है, जैसे ये ज़मीन हुई, टेबल का टॉप हुआ, बेड का हैंडल हुआ, ये सब हुआ, वो सब तो डेली पोछना, दरवाज़ा का हैंडल हुआ, ये सारी चीज़ें को डेली पोछना। ये एक दिन के लिए नहीं था, ये रोज़ के लिए था। उस दिन भी हम लोग आपको बोले थे, सब लोगों को बोले थे, तो आपस में आप लोग बैठ जाइए अरविंद जी के साथ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पाटन पलामू, झारखंड। सदर पुलिस ने शुभम स्टील की दुकान में चोरी करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अभी दो अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सदर पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिहार के गया जिले के आमस गांव निवासी जितेंद्र कुमार मांझी है। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर सदर थाना क्षेत्र के टीकर गांव स्थित तारी जंगल से एक पिस्तौल व दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। बताया कि डकैती कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अखिलेश बी वारियर के निर्देशों पर छापेमारी दल का गठन किया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के अलावा प्रशिक्षु अपर निरीक्षक सुशील टुडू, अनिल कुमार के अलावा जिला बल के जवान शामिल थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को गुप्त सूचना मिली कि इस डकैती कांड का मास्टरमाइंड जितेंद्र मांझी अपने घर में छुपा हुआ है। सूचना के आलोक में सुशील टुडू के नेतृत्व में छापेमारी दल बिहार के गया जिला स्थित आमस गाँव पहुँच कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। शुभम स्टील केस में सर क्या, दिनांक 6/3/2020 को शुभम स्टील में तीन अपराधकर्मी पिस्तौल के भय दिखाकर नगद कैश, लैपटॉप और मोबाइल का लूट किए थे। इस कांड का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल एक अपराधकर्मी जितेंद्र मांझी को आमस से गिरफ्तार किया गया है तथा इस घटना में उनके द्वारा प्रयोग में लाया गया पिस्तौल को भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। घटना में शामिल अन्य दो अपराधकर्मी जो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं की गिरफ्तारी है तो छापामारी की जा रही है तथा लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कुमार चंदन चौधरी की रिपोर्ट, चतरा, झारखंड। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान चतरा जिला में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री महोदय द्वारा पूर्णतया तालाबंदी का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के दौरान बिरहोर परिवारों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि पूर्णतया तालाबंदी के दौरान बिरहोर परिवारों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन उन परिवारों को प्राथमिकता के
आधार पर भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि जिले में बिरहोर परिवारों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पूर्णतया तालाबंदी के दौरान पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। प्रखंड तक पहुँचा दिया, उसके बाद भी प्रखंड में उसको यूज नहीं करना है। फिर यहाँ मीटिंग में बेवकूफ की बातें करते हैं कि दो दिन पहले पहुंची है, और इनके ही सामने तक दाल भात केंद्र चल रहा था, वीडियो ऑफिस के सामने दाल भात, बिल्कुल उनकी बिल्डिंग के सामने, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, एक बिल्डर को पता ही नहीं है। एक लड़का था, किससे का लड़का था, उसको गाड़ियाँ नहीं लगा जाएगा, एम्बुलेंस उसको लिखा कर डालना है, करो करो जमा करना। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कुमार चंदन चौधरी की रिपोर्ट, चतरा झारखंड। पलास के सिंदूरी लाल रंग से क्षेत्र रंगारंगा नजर आ रहा है, जो काफी दिखने में मनमोहक लग रहा है। इन दिनों जंगली क्षेत्रों के साथ साथ सड़क के किनारे मनमोहक पलास के फूल देखते ही बन रहे हैं। बताया जाता है कि सिंदूरी लाल पलास या टेसू के फूलों का प्रयोग लंबे समय से रंग बनाने के लिए किया जाता है, जिससे लोग होली सहित अन्य उत्सव में प्रयोग करते हैं। वर्तमान में रासायनिक रंगों की सुलभता ने भले ही लोगों को प्रकृति से दूर कर दिया हो, लेकिन रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण लोग दोबारा प्रकृति की रुख करने लगे हैं। पलास के फूल का जिक्र साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में किया है। वहीं होली के दौरान गाए जाने वाले गीतों में भी पलास या टेसू के फूल का जिक्र मिलता है। कवियों ने अपनी कविताओं में भी पलास के फूलों का गुणगान किया है, साथ ही इसके असीमित औषधीय गुण शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। झारखंड का राजकीय फूल पलास इन दिनों प्रखंड के पहाड़ के साथ साथ जंगल सड़क के किनारे की सुंदरता बढ़ा रहा है। प्रखंड से निकलते ही पलास के पेड़ों पर लाल व पीले रंग के फूल खिले नजर आने लगते हैं, जो आंखों को अलग ही सुकून देते हैं। पलास के फूलों के अनगिनत फायदे हैं, इसलिए इसे ब्रह्मवृक्ष भी कहा जाता है। इसके कई औषधीय गुण हैं। पलास के फूल ही नहीं बल्कि इसके पत्ते, टहनी, फल और जड़ का आयुर्वेदिक महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार रंग बनाने के अलावा इसके फूलों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चमक बढ़ती है। इसकी फलियां कृमिनाशक का काम करती हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, कुंदा झारखंड। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते कई निर्धन व असहाय परिवारों को आर्थिक दिक्कतों के साथ साथ भोजन व्यवस्था जैसी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को भोजन जैसी समस्या से निदान हेतु पुलिस व प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद दिख रहे हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा इन असहाय गरीब लोगों को खाना दिया जा रहा है। मनातू थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह व उनकी पुलिस टीम द्वारा नक्सली इलाके में प्रतिदिन गरीब बुजुर्ग असहाय लोगों को न सिर्फ खाना खिला रहे हैं, बल्कि इकट्ठा कर स्थानीय गरीब और असहाय परिवारों के बीच खाने का वितरण भी कर रहे हैं। गुरुवार को मनातू थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने लगातार ऐसे ही कई असहाय व गरीबों के बीच खाना उपलब्ध करवाया और आगे भी उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, पलामू झारखंड।